300 बार इनको अपार बहुमत आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, तो अभी तक क्या किया है समाज के लिए इन्होंने? ये धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जात का नहीं राजनीति करता है, जमात का राजनीति करता है। विकास करना और कोई जाति पाति नहीं, जात पात से उठ करके एक समाज को लेकर के नया चुनाव जीतने के पहले तो सब लोग बोलता है, अभी तक आप लोग के लिए क्या किए हैं अशोक पासवान जी? अशोक पासवान जी अभी तो चेयरमैन का चुनाव पहले बाढ़ लोग करते थे, इस बार ऐसा ऐसा बहुत ऐसा ऐसा काम किए, हमारी सिस्टर का शादी कराया है इन्होंने, अच्छा कुछ मदद किए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत सारा ऐसा ऐसा है, बहुत मदद किए हैं। यानी गरीब की बेटी का शादी होता तो आर्थिक मदद जी, करते हैं। हर साल इन्होंने 5 बेटी को कम से कम शादी में मदद करते हैं। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जे टीवी न्यूज। आपको बता दूं कि बिहार नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका तिथि भी ऐलान कर दिया है, यानी 2 चरण में नगर पालिका चुनाव होंगे। आपको बता दूं कि पहला चरण जो होगा 10 अक्टूबर को, वहीं दूसरा चरण का जो चुनाव है वो 20 अक्टूबर को होगा। तो ऐसे में अभी जहानाबाद में मौजूद हूं और जहानाबाद नगर परिषद के मुख्य पार्षद के उम्मीदवार रूपा देवी के समर्थक यहाँ पे हैं और उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अशोक कुमार पासवान जी हैं, उर्फ में टीटी जी करके इनको लोग बोलते हैं, जहानाबाद में एक अच्छा पहचान है, सामाजिक कार्यकर्ता भी इनसे जानना चाहेंगे, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ये वार्ड के सभी वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा इनको समर्थन मिल रहा है और किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं तमाम जानकारी इनसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। हाँ, सबसे पहले कि आपका चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं लोगों से, तो क्या माहौल है जब वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा माहौल है? 3300 वार्ड में जी, युवा जवान जी, गार्जियन सम्मान लोगों से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जी। जहानाबाद के शहर में 3300 वार्ड पे उनका समर्थन रूपा जी को कर रहे हैं। तो अशोक जी, हमें जानना चाहेंगे किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं, आपकी पत्नी है ना रूपा जी? हाँ, तो किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रही हैं रूपा जी? मेरी पत्नी का मुख्य मुद्दा है जी, कि जहानाबाद में सबसे पहला प्रॉब्लम है कि नाली है तो जहानाबाद में उसका पानी निकास का कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जहानाबाद शहर के अंदर से बीचों बीच दर्दा नदियाँ गुजरी है, उसके बावजूद 3300 वार्ड में नाली का पानी का निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सबसे पहले रूपा जी का पहला काम रहेगा कि नाली का पानी निकास करवाने का, दूसरी कि गरीब गुरबा को पेंशन, वृद्धा पेंशन उम्र होते भी नहीं मिल पा रहा, नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात कि राशन की जो व्यवस्था है गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। तीसरा बात है कि एक लाइब्रेरी कोशिश किया जाएगा कि हर वार्ड में 3300 वार्ड के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। तो शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे आप ध्यान देंगे, स्वास्थ्य को आप कहीं ना कहीं छोड़ दें, तो स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे आप? स्वास्थ्य के लिए जहानाबाद में जो भी सरकारी सदर अस्पताल वगैरह हैं उसमें पदाधिकारी चिकित्सक लोग के जिस तरह से जो लापरवाही बरती जाती है उस पर शिकंजा कसा जाएगा। अशोक जी, जैसा हम लगातार घूम रहे हैं, हमारे चैनल जो है कि हमारी टीम जो है कि कई प्रत्याशियों से मिला, लोगों से मिल रहा है, पब्लिक ओपिनियन भी किया, लोगों से मिल कि क्या क्या समस्या है, तो कहीं ना कहीं जहानाबाद में मुख्य समस्या साफ सफाई को लेकर के है। बहुत ज़्यादा कचरा लोग बताते हैं, बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ भी पीसीसी ढलैया नहीं है, यानी कच्ची रोड है, कच्ची गली है, तो उसके लेकर के क्या प्रोपेगेंडा बनाए हैं आप? सरकार का जो भी जनता के लिए जो मुहैया कराया जाएगा, सबसे पहले जो बताए हम पहले भी कि जहानाबाद हर मोहल्ले में नाली बना हुआ है तो उसका पानी का निकास नहीं है, रोड भी फूटा है, जो गली है वो भी पूरा, रोड जो फूटा हुआ है उसके लिए जहाँ जरूरत है वहाँ मरम्मती की जरूरत कराया जाएगा, और जहाँ नया प्रपोजल जहाँ नहीं बना हुआ है नया प्रपोजल लाकर उसको फ्रेश पीसीसी नाली का निर्माण कराया जाएगा। तो जैसा कि आप लगातार बहुत पहले से लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो फीडबैक कैसा आ रहा है युवाओं को और महिलाओं को, खास करके आपकी पत्नी यानी उम्मीदवार जो है महिला हैं, तो महिलाओं का कैसा फीडबैक है? रूपा देवी के लिए महिलाओं में भी बहुत उमंग है कि युवा महिला हैं, इनको मदद करके आशीर्वाद दे के भेजे। युवाओं को भी कहना है कि युवा महिला हैं उनको हम लोग कोऑपरेट करेंगे, गार्जियन लोगों
अभी मान सम्मान बहुत मिल रहा है, हर जगह जा रहे हैं वहाँ मान सम्मान मिल रहा है। इस बार आप किस उद्देश्य से, क्या लग रहा है आपके, जाति पे चुनाव लड़ेंगे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे या फिर पैसे पे चुनाव लड़ेंगे, किस टाइप पे चुनाव लड़ेंगे आप? क्योंकि आपका चर्चा पूरा हर जगह पे है, कहीं कहीं आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं तो कहीं कहीं पैसे के भी ज़्यादा खर्च करेंगे चुनाव लड़ने में, पैसे का मतलब उपयोग करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, और जो जनहित का जो काम होगा जनता के बीच उसका मुहैया कराऊंगा, और पैसा कौड़ी का जो रूमर लोग उड़ा रहे हैं उसका कोई बात नहीं है। तो इनके समर्थक भी हैं, रूपा देवी के समर्थन में भी लोग खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे, आप बुजुर्ग हैं वरिष्ठ हैं, मैं जानना चाहेंगे कि रूपा देवी के आखिर क्यों सपोर्ट आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले आपको चलन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। जहानाबाद नगर परिषद का चुनाव का बिगुल फूका गया है जी। श्रीमती रूपा देवी मुख्य पार्षद का कैंडिडेट है, उनका पति अशोक पासवान टीटी जी जनता के बीच हर समय जनसंपर्क कर रहे हैं, 300 वार्ड से इनको अपार बहुमत आ रहा है। आखिर क्यों आ रहा है, जब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है तो अभी तक क्या किया है समाज के लिए? ये धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी जात का नहीं राजनीति करता है, जमात का राजनीति करता है, सारा जमात का लेकर के चलने वाला युवा है, और खास करके युवा है, युवा के चलते इस पर बहुत ज्यादा उत्साह है। क्या लग रहा है आप लोग इनको क्यों आखिर समर्थन कर रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? प्रत्याशी तो बहुत हैं, रूपा देवी क्यों समर्थन आप लोग कर रहे हैं? रूपा देवी और उनके जो पति हैं अशोक पासवान, उनका सबसे बड़ा मुद्दा जो है जहानाबाद को स्वच्छ बनाना, विकास करना, और कोई जाति पाति नहीं, जात पात से उठ करके एक समाज को लेकर के नया। चुनाव जीतने के पहले तो सब लोग बोलता है, अभी तक आप लोग के लिए क्या किए हैं अशोक पासवान जी? अशोक पासवान जी अभी तो चेयरमैन का चुनाव पहले बार लोग करते थे, इस बार हमारी पूरी 3300 वार्ड की जनता करेगी। अभी आप लोग तो के लिए आप युवा हैं, तो युवाओं के लिए कुछ अभी तक किया है इन्होंने? जी बहुत सारा ऐसा काम किया, हमारी सिस्टर का शादी कराया है इन्होंने, कुछ मदद किए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत सारा ऐसा है, बहुत मदद किए हैं। यानी गरीब की बेटी का शादी होता है तो आर्थिक मदद जी, हर साल इन्होंने 5 बेटी को कम से कम शादी में मदद करते हैं। क्या लग रहा है सर, अगर चुनाव जीतते हैं इनकी पत्नी तो आप लोग का जो उम्मीद है, उम्मीद पे खड़े उतरेंगे इनकी पत्नी? एकदम खड़े उतरेंगे, विश्वास है। हर समाज में, हर समाज लोग को शादी में, ब्याह में या किसी अन्य कार्य में खुद मदद करते हैं, और अपने जा करके युवाओं के साथ में जाकर मिल करके और अपना कार्य। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हैं तो उनके मुँह पे तारीफ? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं रूपा देवी के समर्थन में लोग हैं, समर्थक हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये पद पे ना रहते हुए भी गरीब की बेटी को शादी कराना हो या शिक्षा पढ़ाई कोई करना चाहते उन लोग को मदद करते हैं। तो कहीं ना कहीं भरोसा और उम्मीद है इनके समर्थक को कि अगर जीतते हैं तो हम लोग के लिए जो उम्मीद करते हैं उम्मीद पे खड़े उतरेंगे, काम करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, इनके समर्थन में आप लोग भी आए हैं? जी हम लोग यही सोचते हैं कि सब गरीबी को ही मदद बहुत ज़्यादा करते हैं, हम लोग को रोज़गार बिजनेस देने के लिए भी देते हैं, पैसा कौड़ी मदद करते हैं हम लोग को कि आप लोग क्यों बेरोजगार घूमते हैं, आप लोग हमारा से मदद कुछ लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा विश्वास है इनके समर्थक में कि अगर ये चुनाव जीतते हैं तो हम लोग को मदद करेंगे, जैसा कि पहले भी गरीबों को मदद करते आए हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आपका जी। रूपा देवी जी अच्छे आदमी हैं, महिलाओं के साथ बहुत अच्छा घुल मिल के रहती हैं, औरों लोग के लिए भी सोचती हैं। चेयरमैन अगर बन करके नगर परिषद जाते हैं तो गरीबों का बहुत अच्छा से उनका बिल्कुल उठाएंगे। हाँ अभी अशोक जी कहें जहानाबाद चिकित्सक की बात, तो उसको भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, कहा है कि लाचार आदमी का, बेबस आदमी जो अनपढ़ है उनको वहाँ सही तरीके से इलाज नहीं होता है। हाँ तो इस पर भी उनका अच्छा विचार है। लाइब्रेरी की भी बात कहें, इसमें भी मैं उनका सपोर्ट करता हूँ कि हर बार यानी कहीं ना कहीं भरपूर समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, जैसा कि अशोक पासवान हमारे चैनल पर इन्होंने अभी बता रहे थे कि सभी वर्गों का साथ मिल रहा है, महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है। तो देखना यह है कि कितना इनको सपोर्ट मिलता है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर मतदान है, उसके बाद क्या इनका परिणाम आता है, चुनाव जीतते हैं क्या कुछ होता है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर अशोक जी थोड़ा सा और आपसे हम जानकारी लेंगे, ये नामांकन आप कब करवा रहे हैं और जहानाबाद वासियों को आमंत्रित करना चाहेंगे अपने नामांकन में? पूरे जहानाबाद 3300 वार्ड में लोगों को आमंत्रित करूंगा जी। कब नामिनेशन कर रहे हैं आप? अभी विचार नहीं किए, मगर शुक्रवार तक अभी हमारा डॉक्यूमेंट नहीं तैयार हो पाया है जी। मगर उम्मीद है कि शुक्रवार को हम यही शुक्रवार को नामांकन जारी करेंगे।
तो ये थे हमारे साथ अशोक पासवान जी, जिन्होंने साफ तौर पर मुखर होकर उन्होंने कहा कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो, साफ़ सफाई के मामले हो, यानी हर बिंदु पे काम करेंगे। मौका मिला तो जो भी शिकायत है, जो भी समस्या, उसका निदान करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे थे, इनके समर्थक भी काफ़ी जोश उत्साह में इनका समर्थन कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं। और इनका भी दावा है कि सभी वर्गों का साथ मिला तो कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है। पर देखना यह है कि कितना सपोर्ट मिलता है, कितना इनको वोट मिलता है। तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, देखते रहिए जी टीवी न्यूज़।